हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें, जिससे हम और भी वीडियो बनाएं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन में रीडिंग यानी पैसेज है। तो देखिए दोस्तों, पैसेज के आंसर पहले का हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा, तो इसका बी नंबर का हो जाएगा। दूसरा है व्हाट इज ऑटोमेशन, तो इसका हो जाएगा डी वाला, डी। द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क अस, इसके बाद इसमें हो जाएगा कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पार्टीशंस इन लेंस। इसके बाद में क्वेश्चन 4 का उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर कैन रूल ओवर ह्यूमन ब्रेन। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एटोनिम्स फॉर द वर्ड्स डिसेबल, तो इसका हो जाएगा इनेबल। इसके बाद देखिए दोस्तों, द वर्ब फ्रॉम द वर्ड अल्टरनेटिव, इसमें हो जाएगा अल्टरनेट। इन फ्यूचर इसमें हो जाएगा ऑटोमेशन। इसके बाद सर लियोन वेग्रिक सेड दैट इज फ्यूचर, इसमें हो जाएगा कंप्यूटर वुड बी डेवलपेड विच शुड बी स्मॉल एग टू कैरियर इन वन पॉकेट। इसके बाद देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेजेस सिनोनिम्स प्लीज, का हो जाएगा रिलीव्ड। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल, तो उसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दो, तो इसका आंसर हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है राइटन यानी इसमें क्या लिखा है, 4 नंबर का प्रश्न है, असीमा इज गोइंग एब्रोड टू फॉरेन असिस्टेंट फॉर 5 एजेसमेंट फॉर 5 ईयर वांट टू सेल हर, यानी आपको बॉक्स बनाना है, उसमें सामान उसको बेचने वाला बॉक्स बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सेव ट्री सेव अर्थ, इसका बनाना है पोस्टर, इसका भी पोस्टर बनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं, ये आई बटन में इसकी लिंक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर अंकल थिंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंड फॉर यू, यू आर हरी तिवारी रेजिडिंग एंड हर्षवर्धन नगर भोपाल। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आ गया है द आर्टिकल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 200 वर्ड, 200 वर्ड में आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन इन इंग्लिश, हजार्ड ऑफ पॉलीथिन बैग
यानी कि आपको लिखना है पॉलीथीन के ऊपर लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम कोरोना आ पेंडेमिक, इसके ऊपर लिखना है, या फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश इसके ऊपर लिखना है। इसके बाद यू आर अमिता दुबे यूजिंग फॉलोइंग इनपुट राइट अ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है तो आपको ये रिपोर्ट भी करनी है। इसके बाद एक रिपोर्ट ये है तो आपको ये भी करनी पड़ेगी, ये वाली भी, ये सारे टॉपिक को आपको सब कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद एंडा के प्रयोग यानी ग्रामर सेक्शन सी, हिज ब्रदर एमएलए एंड एमएलए। इसके बाद यू शुड गो टू वेड सून, तो इसका हो जाएगा एस। इसके बाद ही इज गुड इन इंग्लिश। इसके बाद ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल, एनी हो जाएगा इसका। इसके बाद नो सूनर डिड द बॉयज ही इज कोबरा देन हो जाएगा देन ही रैन वे। और इसके बाद यू कैन नॉट टेल्क इन द लाइब्रेरी, तो हो जाएगा टेल्क कैन हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए दोस्तों, सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इन टू नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोनिया डिड नॉट डू। उसके बाद में आपको यहाँ से हर ड्यूटी ये ऐसा कैसे लिखना ना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ही इज यानी रिवाइंड टू सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू, तो आपको इसका यूज करना है ही इज, तो कि यहाँ पर टू लिखना है। इसके बाद वीक दैट ही कैन नॉट, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पर टू लिखना है, और ये भी नहीं लिखना, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टी डबल ओ वाला टू। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आ गया है अनलेस का प्रयोग। अनलेस का प्रयोग प्लेस ऑफ इफ, जगह पर अनलेस लिखना है अनलेस। इसके बाद में क्या लिखना है, प्लेस ऑन इफ। इसके बाद में लिखना है अनलेस यू विल फेल, अनलेस यू विल फेल, अनलेस यू विल फेल वर्क हार्ड। इसके बाद लिखना है आपको वर्क हार्ड। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न चार, द मैन हैड नॉट कम फॉर टू डेज, तो इसमें लिखना है आपको द मैन ब्रिंग पेटेटोस। इसके बाद में यहाँ से इसको काट देना है, इसके बाद में आपको आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, दिस न्यूज सरप्राइज मी, तो देखिए दोस्तों, आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज, आपको यह लिखना है आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो आई हैड अलॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। इसके बाद देखिए दोस्तों,
आपको फिर आ गया है सेक्शन डी। ये आपकी 10 नंबर की ग्रामर कंप्लीट हो गई है, सॉरी 5 नंबर की आई है। यहाँ 10 नंबर की पूरी ग्रामर हमने कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद में एक्सट्रैक्ट केयरफुली क्वेश्चन फ्लो आंसर। तो पहले का आंसर हो जाएगा द रैट ट्रैप, दूसरे का हो जाएगा मेजर, तीसरे का हो जाएगा स्टे अलाइव, चौथे का हो जाएगा सेल्मा, पांचवे का हो जाएगा स्पार्कल। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो में फ्राइडे, क्योंकि इसमें लिखा है फ्राइडे, और इसके बाद मदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर मदर। मदर ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर कुछ हाउ मेनी स्टूडेंट टू पार्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम। सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।